अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। लेकिन आप हमेशा ख्याल रखिएगा, यहां पे हम खाली थिन लेंसेस की बात करेंगे। यानी आगे जहां पर भी आप वर्ड लेंस का नोट करेंगे, जहां पे भी आप स्फेरिकल लेंस की बात सुनेंगे, तो यू मस्ट ट्रीट इट एज ए थिन लेंस। तो ये एक अप्रोक्सिमेशन आप अपने साथ ही लेके जाएंगे। थिक लेंसेस हम यहां पे डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और ना ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हमारे लिए इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है दैट इज थिन लेंसेज की, इसलिए हमारा डिस्कशन होगा थिन लेंसेज पे। अब अगर हम पहले स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे, स्फेरिकल लेंस क्या होता है? इट्स ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। बोथ द सरफेसेस मे बी स्फेरिकल और एट लीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस। यानी कोई भी मीडियम आप लीजिए जिसको आप बाउंड करेंगे दो सरफेसेस से, लेकिन रिक्वायरमेंट यह है कि वो दो सरफेस में से मिनिमम एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए, तो उस लेंस को हम नाम देते हैं फिर स्फेरिकल लेंस। अगर दोनों भी स्फेरिकल है वो भी ठीक है, लेकिन एट लीस्ट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। तो अभी आप आगे देखेंगे ये हम कैसे शो करेंगे यहां पे। सो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, both may be spherical or at least one must be spherical surface। उस medium को, उस configuration को हम नाम देते हैं फिर क्या? spherical lens। तो जो spherical lenses हैं, इनके दो types होते हैं। spherical lens के दो types होते हैं, एक है convex lens और इसको हम नाम देते हैं दूसरा converging lens। दूसरा है कंकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो दो टाइप्स की ये स्फेरिकल लेंसेज होती है, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग और कंकेव लेंस। इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? इट इज थिक एट द मिडल and thinner at edge। इसका जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट में ये थिक होती है और एज पे ये होती है थिन। तो ये इसका रिवर्स है कंकेव। कंकेव में क्या होता है, इट इज थिनर एट मिडल and thick at the edge पे ये thick होती है, लेकिन middle में क्या होती है, thin। जैसे मैं आपको show करूंगा, ये जरा देखें, ये ऐसे हो सकती है, ये एक spherical surface है और दूसरी spherical surface ऐसे है, इस तरह से। यानी दिस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, यहां से भी स्फेरिकल सरफेस है, इधर से भी स्फेरिकल सरफेस है ऐसे। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस। ये देखो, इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज्स। एज्स पे थिन होती है ऐसे, ये ऐसे होती है ऐसे ऐसे। यानी बीच में ये बल्क, यहां पे बल्जड होगी बीच में, लेकिन एज्स पे क्या हो गया, एज्स पे थिनर होगी। यहां से आप जरा देखिए, इधर से आप देखेंगे, यहां से ये, यहां से आप थिन देखते हो, यहां एज्स पे, यहां पे आप देखते हो थिन, लेकिन बीच में क्या होता है, थिक। तो इसको हम नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस। या ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये प्लेन है, इधर से ये ऐसे स्फेरिकल, इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज्स। या ये ऐसे भी हो सकती है, thick at the middle and thinner at the edge। तो
इसको हम नाम दे दें कन्वेक्स लेंस। तो या ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इट इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एंड्स। तो इसी तरह या ये ऐसे भी पॉसिबल है, या ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे। सो ये देखो, थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एंड्स। तो या ये ऐसे भी पॉसिबल है, देखो इट इज थिन एट द एक्स एट द सेंटर एट द मिडल बट थिकर एट द एक्स। सो थिकर एट द एक्स बट थिनर एट द मिडल। तो ये यहां पे है, दिस शोज द कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस, दिस शोज द डाइवर्जिंग आर कनकेव लेंस। इसको हम नाम देते हैं, देखो दोनों सरफेस जो है ना ये स्फेरिकल है, इस टाइप की लेंस जो है इसको हम नाम देते हैं बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स, या डबल कन्वेक्स, क्योंकि इसमें दोनों सरफेस हम कन्वेक्स लेते हैं। सो इसलिए इसको बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स नाम देते हैं, जिसे बाई कन्वेक्स लेंस और डबल कन्वेक्स लेंस। अगर यहां पे अगर इसका राइट सब करेंगे, अगर आप एक स्फीयर ड्रा करेंगे, ये भी कंप्लीट स्फीयर, ये भी एक कंप्लीट स्फीयर ड्रा करेंगे, अगर इसका राइट सब कर्वेचर, इस सरफेस का राइट सब कर्वेचर, और अगर इस सरफेस का राइट सब कर्वेचर, अगर दोनों के राइट ऑफ कर्वेचर्स इक्वल हैं, तो यानी सपोज इसका राइट सब कर्वेचर है आर वन, इसका राइट ऑफ कर्वेचर है सपोज आर टू, अगर ये आर और आर टू इक्वल है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का भी है, तब इसको हम नाम देते हैं इक्विकन्वेक्स, इट इज कॉल्ड इक्विकन्वेक्स, इक्विकन्वेक्स लेंस। सो ये जरा देखिए, अब ये लेंस इसमें एक क्या है प्लेन, दूसरा क्या है कन्वेक्स, दिस इज कॉल्ड एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो इसका हम नाम देते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब इसमें जरा देखें, यह है इधर से कन्वेक्स, यह है कन्वेक्स, यह है यहां पे कनकेव, कनकेव, इसको हम नाम देते हैं कनकेव कन्वेक्स लेंस। सो दैट मींस जो कन्वेक्स लेंस है ये तीन टाइप्स की होती है, एक है बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स, जिसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, जिसमें एक प्लेन हो एक स्फेरिकल हो, तो इसको हम नाम देते हैं प्लेनो कन्वेक्स, जिसमें ये ऐसे हो, ये भी स्फेरिकल है ये भी स्फेरिकल है, लेकिन यहां पे है कन्वेक्स साइड फेस इज द रियरर मीडियम, जिससे कन्वेक्स साइड फेस इज द रियरर मीडियम, कन्वेक्स साइड फेस इज द रियरर मीडियम, कन्वेक्स साइड फेस इज द रियरर मीडियम। अब यहां पे जरा देखिए, ये यहां पर कनकेव साइड फेस इज द रियरर मीडियम, यानी कैविटी, ये कैविटी वाला साइड है, तो इट इज कनकेव साइड फेस इज द रियरर मीडियम। तो इसलिए ये सरफेस कनकेव है, ये सरफेस कन्वेक्स है, तो इसको हम नाम देते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इसका हम नाम देते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसका हम नाम देते हैं डबल कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है तो तब इसको हम नाम देते हैं कन्वेक्स। तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इंफिनिटी। चले अब इसी तरह यहां पर ये देखो, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, तो इसमें दोनों स्फेरिकल है, इसलिए इसको हम नाम देंगे बाइकनकेव, बाइकनकेव और डबल कनकेव लेंस, बाइकनकेव और डबल कनकेव लेंस। ये भी स्फेरिकल कनकेव, क्योंकि कनकेव साइड फेस द रियर मीडियम, कनकेव साइड फेस द रियर मीडियम, तो इसलिए इसको हम नाम देंगे बाइकनकेव। तो अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका अगर ये इक्वल हैं, इफ आर वन इज इक्वल आर टू, अगर ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स इक्वल आ गए, तब इसको हम नाम देते हैं इक्वी कनकेव लेंस, देन इट इज कॉल्ड इक्वी कनकेव। So, इसका जरा देखे, एक क्या है प्लेन, दूसरा क्या है कनकेव, इट इज कनकेव साइड फेस द रियर मीडियम, बाहर है रियर अंदर है डेंस है,
क्योंकि ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की ये लेंस वाली होती है, उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट मे बी ग्रेटर देन द ईयर, इसलिए इसको हम नाम देंगे ये है यहां पे डेंसर मीडियम, बाहर से रियर मीडियम। तो कंकेव साइड फेस इज द रियर मीडियम, इसलिए ये हो गया कंकेव, और यहां पे भी क्या है प्लैन, इट्स कॉल्ड एज प्लैनो कंकेव लेंस, प्लैनो कंकेव लेंस। प्लेन सरफेस का रेड सबकर्वेचर कितना आएगा इनफिनिटी, सो प्लेन सरफेस का रेड सबकर्वेचर आता है इनफिनिटी, इसका कोई फाइनाइट रेड सबकर्वेचर होगा। अब इसी तरह इसको ये जरा देखें, ये है कंकेव, कंकेव साइड फेस इज द रियर मीडियम, इसमें जरा देखें ये ऐसे हैं, इसमें कन्वेक्स साइड फेस इज द रियर मीडियम, बल्ज्ड आउट पोर्शन, बल्ज्ड आउट पोर्शन इट फेस द रियर मीडियम, सो इट इज कन्वेक्स, इट इज कंकेव, इट इज कन्वेक्स और कंकेव लेंस, कन्वेक्सो कंकेव लेंस। सो ओवरऑल अब हम इसको समराइज करेंगे, जो स्फेरिकल लेंसेज है, स्फेरिकल लेंस है ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन ऑफ द सरफेसेस मस्ट बी स्फेरिकल, अगर दोनों भी स्फेरिकल है तो भी वो स्फेरिकल लेंस कहलाएगी। सो अब स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक है कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा टाइप है कंकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। फिर जो कन्वेक्स लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस होती है, ये क्या होते हैं, इट्स थिकर एट द मिडल, थिकर एट द मिडल, थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एज, थिनर एट द एज। तो इसी तरह ये कन्वर्ज कंकेव और डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है, इट्स थिकर एट द एज एंड थिनर एट द मिडल, मिडल में थिन होती है लेकिन एज से क्या होती है थिक होती है, थिकर एट द एज थिनर एट द मिडल, थिकर एट द एज बट थिनर एट द मिडल। तो वो कन्वेक्स कंकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। अब कंकेव लेंस भी तीन टाइप्स की होती है और कंकेव लेंस भी तीन टाइप्स की होती है, कन्वेक्स लेंस भी तीन टाइप्स की हो सकती है और कंकेव लेंस भी तीन टाइप्स की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, इट इज बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स, जिसमें दोनों सरफेसिस कन्वेक्स हो towards the rear medium, it's called as biconvex or double convex. अगर ये दोनों radii of curvatures equal है, then it's called equiconvex. इसी तरह यहाँ पे दूसरा है plano convex lens, तीसरा है concavo convex lens. इसी तरह इसमें है biconcave or double concave lens. अगर दोनों radii of curvature equal है, then it's called equiconcave lens. अगर एक प्लेन है दूसरा है कंकेव, देन इट्स कॉल्ड प्लेनो कंकेव लेंस। अगर एक है कन्वेक्स कंकेव दूसरा है कन्वेक्स, देन इट्स कॉल्ड एज कन्वेक्सो कंकेव लेंस। तो ये है यहां पे टाइप्स ऑफ लेंसेस। अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपसे कहा जाता है ए प्लेनो कंकेव लेंस, तो यू मस्ट विजुअलाइज व्हाट इट इज आस्किंग अस, प्लेनो कंकेव लेंस, प्लेनो कंकेव मींस दिस। इस तरह कभी ये आ सकता है डबल कन्वेक्स लेंस, तो आपको दिमाग में खुद ही आ जाना चाहिए ऐसी लेंस है। कभी क्वेश्चन में आएगा ए कन्वेक्स ओ कंकेव लेंस, ए कन्वेक्स ओ कंकेव लेंस, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेंसेज, ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे आप देखेंगे थोड़ा सा जो अभी हमने डेफिनेशन देखी है यहां पे, थिक एट द मिडल एंड थिनर एट द एज्स या इसका रिवर्स, तो वो थोड़ा सा वहां पे फिर आगे जाकर थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन आएगी, तब आप एग्जैक्टली आप डिफाइन करेंगे वहां पे कौन सी लेंस कंकेव है और कौन सी कन्वेक्स है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक कंकेव लेंस जो है, चलो वो आगे हम डिस्कस करेंगे वहां पे, आपको मैं बताऊंगा उस टाइम पे। चलो अब हम यहाँ पे जाएंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिगार्डिंग दीज लेंसेज, पहले हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे लेंगे, लेट्स एक ये मैं यहां पे लेता हूं एक कन्वेक्स लेंस, सपोज ये है कंकेव लेंस, मैं दोनों के लिए साइमल्टेनियसली ये लूंगा। हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जैसे अभी आपने देखा तीन टाइप्स ऑफ लेंसेज होती है, डबल कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स कंकेव कन्वेक्स, इसी तरह डबल कंकेव प्लेनो कंकेव एंड कन्वेक्स कंकेव, लेकिन जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा डबल कन्वेक्स एंड डबल कंकेव। दो और टाइप जो है उनके भी क्वेश्चंस आएंगे, उन पे भी डिस्कशंस होगा, लेकिन मेजर डिस्कशन इन्हीं दो पे आ जाएगा, इसलिए ज्यादातर मैं यही यूज करूंगा।
चले। सो ये कन्वेक्स लेंस मैंने ली है, ये मैंने एक कनकेव लेंस ली है। पहले अगर आप देखेंगे ये सरफेस यहाँ पे, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका कोई सेंटर होगा। अगर मैं ये लूंगा यहाँ पे, इट विल फॉर्म ए सर्कल लाइक दिस, सॉरी स्फीयर लाइक दिस, ये एक स्फीयर बनाएगा। उस स्फीयर का कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर होगा, तो ये आएगा उस स्फीयर का सेंटर। तो ये आएगा इस सरफेस का, ये जो ये स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आएगा यहाँ पे, लेट्स सपोज इट इज सी वन। इसी तरह ये अपन यहां से ये सरफेस जो यहाँ पे, अब ये भी किसी स्फीयर का पार्ट बनाती है, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट बनाती है ऐसे, तो ऐसे इसका भी कोई सेंटर होगा, इस स्फीयर का भी, इस स्फीयर का भी कोई सेंटर होगा, लेट्स सपोज इसका सेंटर यहां पर है इस स्फीयर का। तो ये जो ये सरफेस है, ये सरफेस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आएगा यहां पे, लेट्स सपोज दिस इज सी। तो पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे आपने स्फेरिकल मिरर्स में देखा था वैसे यहां पर है। इट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस ऑफ विच द स्फेरिकल सरफेस मेक्स द पार्ट, जो इस स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट बनाती है उसी स्फीयर का जो सेंटर है, दिस दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। और इसी तरह इस सरफेस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर ये आएगा। तो इसी तरह यहां पर इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में लाई करेगा, लेट्स सपोज दिस। इसी तरह ये सरफेस जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे लाई करेगा इस साइड में, लेट्स सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए C1, ये है C1। तो ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सिंपली द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल सरफेस मेक्स द पार्ट। अब इधर द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, एक लाइन जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जॉइन करेगी ऐसे, दिस लाइन इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह यहां पर इस पे प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आएगी, ये दिस द प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। उसके बाद अब जरा देखिए यहां पे, अगर मैं यहां पर एक रेड इंट्रो यहां से इस पे इंसिडेंट करूंगा, एक रे में ऐसे इंसिडेंट करता हूं, क्योंकि हम यहां पे मैंने पहले ही बोला हम यहां पे कौन सा कंसिडरेशन लेते हैं, थिन लेंसेस, हम थिन लेंसेस की बात करते हैं। तो थिन लेंसेस में हम यहां पे ये अज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा लाई करेगा, एक पॉइंट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे लाई करेगा कि जहां से अगर आप एक रे को इंसिडेंट करेंगे, जिसके थ्रू अगर आप एक रे को यहां पे डालेंगे, डायरेक्ट रे पासेस अनडिवेटेड, वो रे सीधे अनडिवेटेड पास हो गया ऐसे, देयर इज नो डिविएशन एट ऑल, दैट पॉइंट इज व्हाट वी कॉल ऑप्टिकल सेंटर। जैसे इसी तरह इस लेंस में इट्स द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द रे पासेस अनडिवेटेड, जिसके थ्रू रे अनडिवेटेड पास होगी, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर की अगर हम बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस so that the light passes incident passes undeviated after refraction for 10 lens. देखो अगर ये थिक लेंस हम लेंगे यहाँ पे तो इसमें लेटरल शिफ्ट आ जाएगा, लेकिन हम थिन लेंस लेते हैं इसलिए वो लेटरल शिफ्ट जो है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये सीधे ऐसे ले जाते हैं। सो इट्स द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट द लाइट इंसिडेंट
पास अनडिवेटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द थिन लेंस। जब आप आफ्टर रिफ्रैक्शन देखेंगे तो ये वही पाथ फॉलो करते जो इंसिडेंट रे की पाथ थी, इट पास अनडिवेटेड, दैट पॉइंट इज व्हाट वी कॉल ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर जैसे मैंने इस केस में दिखाया, ये कहां पे आता है, इट इज इनसाइड द लेंस, ये लेंस के अंदर लाई करता है, बट इट इज नॉट नेसेसरली विद इन द लेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लेंगे ऐसे, चलिए मैं ऐसे लूंगा, इट इज कनकेव कन्वेक्स लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस में विद इन द लेंस लाई नहीं करता है, तो ये आउटसाइड लाई कर सकता है, इट मे लाई आउटसाइड। तो इसलिए यहां पर ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट नेसेसरली विद इन द लेंस, इनसाइड द लेंस, इट मे लाई आउटसाइड, ये इसके बाहर भी लाई कर सकता है, इस लेंस के बाहर लाई कर सकता है, ऐसे इसके बाहर लाई कर सकता है। सो ये आ गया यहां पे ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके बाद यहां पे आप हमेशा याद रखेंगे जो हम रेज यूज करेंगे, फिर से रेज हम यहां पे यूज करेंगे पैराक्सल रेज। जब तक आप इस पार्ट में है, जब तक आप इस लेंस पार्ट में रहेंगे, तो हम हमेशा कौन से रेज लेंगे, पैराक्सल रेज लेंगे हम। तो पैराक्सल रेज आपने पता है रेज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब ये रेज आएंगी उन्हीं को हम नाम देते हैं पैराक्सल रेज, और जो दूर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से उनको हम नाम देते हैं मार्जिनल रेज, जैसा हमने ऑलरेडी किया था किसमें, स्फेरिकल मिरर्स में। सो यहां पे हम लेंगे दूसरा पैराक्सल रेज, पैराक्सल रेज, रेज क्लोज द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा मार्जिनल रेज, रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेकिन हम यहां पे कौन से रेज यूज करेंगे, हम यहां पे पैराक्सल रेज यूज करेंगे। अब ये आएंगे यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेंगे, तो ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू इज द लाइट पास अनडिवेटेड, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आ गए यहां पे कुछ पॉइंट्स। अब इसमें एक और टर्म हमने डिफाइन करना है, दैट्स द प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पे प्रिंसिपल फोकस की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन दो सरफेस पे होते हैं, एक रिफ्रैक्शन यहां पर, दूसरी रिफ्रैक्शन यहां पर, तो दो सरफेसेस पे यहां पे आएंगे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आएंगे, तो अकॉर्डिंगली यहां पे दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। चलिए मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। चले ये मैं लेता हूं यहां पे एक कन्वेक्स लेंस, थिन कन्वेक्स लेंस मैंने ली है, लेट्स सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैं लेता हूं, ये आ गया इस पे ऑप्टिकल सेंटर सपोज। अब देखो अगर मैं पैराक्सल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेता हूं ऐसे, पैराक्सल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, तो यहां पर क्या होगी, दीज विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक कॉमन पॉइंट पे यहां पे कन्वर्ज हो जाएंगे ऐसे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है, लेकिन इसको हम नाम देते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो इसी तरह यहां पर ये मैंने एक कंकेव लेंस दी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं रेज पैराक्सल रेज देता हूं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ये लेंस क्या करेगी, ये इनको डाइवर्ज करती है, ये इन रेज को डाइवर्ज करके ऐसे, ये इन रेज को डाइवर्ज करके ऐसे भेजेगी। नाउ अब देखो इस साइड से तो ये मीट नहीं करेंगे, नाउ दीज रेज विल अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट ऑन दिस साइड, अब ये पॉइंट जो है दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम सिंपली बोलेंगे इट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, क्योंकि इंसिडेंट रेज क्या आती है पैरेलल, इंसिडेंट रेज आती है पैरेलल, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी दैट इज व्हाट वी कॉल इमेज।
सो पोजिशन ऑफ इमेज वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. इसी तरह यहां पे इंसिडेंट रेज पैरेलल आती है ऐसे, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे निकलती है, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज दिस अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज द इमेज. ये इमेज आएगी लेकिन ये वर्चुअल इमेज आएगी, इसमें ये रियल इमेज है क्योंकि ये एक्चुअल मीट करती है, इसमें ये अपीयर्स टू मीट क्योंकि ये एक्चुअल में यहां से ऐसे निकलती है, तो इसके यहां से तो इमेज नहीं बनेगी. अब हमें लगेगा जैसे ये रिफ्रैक्टेड रेज यहां पर मीट करेंगी, इसलिए इसको हम नाम देंगे क्या, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. सो सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज सिंपली पोजिशन ऑफ इमेज, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. पोजिशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. और हम अदरवाइज इसको ऐसे ही बोलेंगे, इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और अपीयर्स टू मीट इन केस ऑफ कनकेव लेंस व्हेन द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज मीट्स और अपीयर्स टू मीट व्हेन द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. That's what we call second principle focus. और जो distance आती है from the optical center, the distance of this second principle focus from the optical center, that is called as second focal length. इसको हम second focal length नाम देते हैं. Second focal length. इसी तरह यहाँ पे distance of principle focus, second principle focus from the optical center. तो optical center से जो second principle focus तक जो distance आएगी, this is called as second focal length. So, अब इसके बाद है इसी तरह सेकंड फोकल लेंथ. देखो इस डिस्टेंस ऑफ सेट डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दैट्स व्हाट वी कॉल सेकंड फोकल लेंथ. तो ये हो गया यहां तक. अब इसके बाद है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो मैं आपको ऐसे शो करूंगा. लेट्स सपोज ये है एक कन्वेक्स लेंस, यहां पर मैं लूंगा एक कंकेव लेंस. अब देखो यहां पे ये है, यहां पे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. अब यहां पे आपको रेज चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रेज हमें चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसका मतलब ये यहां पर एक पॉइंट से आएंगी, यहां पे दिस पॉइंट फ्रॉम विच द इंसिडेंट रेज डाइवर्ज, जहां से इंसिडेंट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, सो दैट की रिफ्रैक्टेड रेज आ जाएंगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. जब रिफ्रैक्टेड रेज आएंगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे एक रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे एक रिफ्रैक्टेड रे, अगर रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल आ जाते तो ये कहां पर मीट करेंगी, दिस विल मीट एट इन्फिनिटी, सो दैट इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. अब इस केस में जहां पर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी. सो दैट इज पोजिशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट on principal axis whose image is formed at infinity, at infinity. उसमें object आता था infinity पर, position of image को हम नाम देते थे second principal focus. इसमें image आती है at infinity, position of object को हम नाम देते हैं first principal focus. So, first principle focus is the position of object on the principal axis whose image is formed at infinity, जिसकी image infinity पे बने. So, इसी तरह यहाँ पे ये concave lens है, ये इसकी principal axis है. Suppose refracted rays पे आनी चाहिए parallel principal axis, refracted rays ऐसे जानी चाहिए. So that की image कहाँ पे बने, infinity पर. तो अब यहाँ पर ये rays असल में actually यहाँ पर ऐसे आ रही होंगी, ये
ये रेज असल में ऐसे आ रही होंगी, सो दीज विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। अगर ये लेंस नहीं होती, अगर बीच पे ये लेंस नहीं होती तो ये इंसिडेंट रेज यहां पर मीट करती, सो दिस वुड हैव बीन द ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट नाम देते हैं, लेकिन ये यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सो इट्स ऑब्जेक्ट, सो इट इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसिडेंट रेज यहां पर मीट करेंगी तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन हमने पता है जो रिफ्रैक्टेड रेज कैसे निकली है, वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। सो दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हुज इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, और इन जनरल हम इनको ऐसे आप डिफाइन करेंगे, the point on the principal axis where the incident rays actually meets or appears to meet, so that the refracted rays are parallel to principal axis, so that the refracted rays are parallel to principal axis, that's what we call first principal focus. And distance of first principal focus from the optical center, this is what we call first focal length. इसी तरह यहाँ पे distance of first principal focus from the optical center, this is what we call first focal length. So first focal length is the position of object on the principal axis whose image is formed at infinity. Second principal focus is the position of image on the principal focus whose object is at infinity. So इस केस में देखो यहां पे convex lens चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो या सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो, दीज आर द रियल पॉइंट्स, इट इज द रियल पॉइंट, क्योंकि यहां पर ये एक्चुअली मीट करते हैं ये रिफ्रैक्टेड रेज, इट इज द रियल इमेज, सो यहां पर ये इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट करती है, तो दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब जो प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस इट इज अ रियल पॉइंट, ये रियल पॉइंट है, और इसमें जो है कन्वेक्स कनकेव लेंस में this is the point where the refracted rays appears to meet, it's a virtual image. So this is the point where the incident rays appears to meet, it's a virtual object. So इसलिए concave lens में first principal focus and second principal focus, these are virtual points. लेकिन convex lens में first principal focus और second principal focus ये हैं real points. So distance of second principal focus is from the optical center is second focal length, and distance of first principal focus from the optical center is called as first focal length. तो इसमें यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे concerned रहते हैं to second principal focus. आगे जब भी मैं बोलूँगा principal focus, जब भी मैं बोलूँगा focal length, you will treat it as second principal focus and second focal length. आगे से जब तक मैं यही कहूंगा यहां पे लेंसेज पार्ट में, जब तक हम रहेंगे, जब भी मैं बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस, यू मस्ट टेक इट एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जब भी मैं कहूंगा फोकल लेंथ, आप ट्रीट करेंगे एज सेकंड फोकल लेंथ, अदरवाइज मेंशन। अगर कभी कभी मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकल लेंथ की बात की है तो उसको मैं एक्सक्लूसिवली मेंशन करूंगा, अदरवाइज जब भी मैं जब भी मैं बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस, यू मे टेक इट एज अ सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड यू विल टेक इट एज सेकंड फोकल लेंथ। तो इसलिए यहां पर अब जरा इसको देखिए, अगर हम साइन कन्वेंशंस देते हैं, न्यू कर्टसन साइन कन्वेंशंस, अब हम आगे जाएंगे न्यू कर्टसन साइन कन्वेंशंस। सो न्यू कर्टसन साइन कन्वेंशंस सेम है जैसे स्फेरिकल मिरर्स में थे, वो क्या थे, कर्टसन साइन कन्वेंशंस न्यू साइन कन्वेंशंस, न्यू कर्टसन साइन कन्वेंशन सेम है, वो क्या था, वहां पे हम पोल लेते थे ऑफ ऑरिजिन और प्रिंसिपल एक्सिस हम लेते थे एक्स एक्सिस, यहां पे हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर एज ऑरिजिन, ऑप्टिकल सेंटर को हम ट्रीट करते हैं एज ऑरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस को लेते हैं हम एज एक्स एक्सिस, सेम है, वहां पर जो पोल का काम था वो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर करता है, सो दैट मींस ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सो ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ऑरिजिन,
ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ओरिजिन, दैट इज ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. नाउ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इट इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो इसका मतलब ये डायरेक्शन यहां पे ये ओरिजिन आ गया, तो अब इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, तो यहां से ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, यहां से ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई. सेम है जो स्फेरिकल मिरर्स में हम लेते थे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंड अपोजिट टू इंसिडेंस एज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस. जैसे इस केस में ये इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन है, यहां से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव. अगर मैं ऐसे लूंगा लैंप, सपोज ऐसे है लैंप, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं रेज ऐसे लेता हूं, ऐसे रे आती है, सो दिस द ओरिजिन, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम ओरिजिन चूज करेंगे. अब देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये ऐसे है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है ऐसे, सो ये आएगा पॉजिटिव, तब ये क्या आएगा नेगेटिव. तो आपने खाली देखना होता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है वो हम क्या चूज करेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट टू इंसिडेंस इज टेकन एज नेगेटिव, एंड डिस्टेंस इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. तो यही है यहां पे साइन कन्वेंशन, जो स्फेरिकल मिरर्स में कन्वेंशन था वही यहां पर भी है, खाली वहां पे पोल को हम ऑरिजिन कंसीडर करते थे, यहां पे हम ऑप्टिकल सेंटर को ऑरिजिन ट्रीट करते हैं. सो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंड अपोजिट टू इंसिडेंस एज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस. अबव द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आर टेकन एज पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव. तो ये आ गया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. अब हमेशा याद रखेंगे हम, जैसे मैंने अभी आपको बोला, जब भी मैं फोकल लेंथ की बात करूंगा इट मीन सेकंड फोकल लेंथ. जरा मुझे बताएं इस केस में सेकंड फोकल लेंथ ये क्या आती है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो ये यहां से पॉजिटिव आ गया. तो अब इसमें जरा इसमें देखिए सेकंड फोकल लेंथ ये है ऐसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो ये पॉजिटिव यहां से क्या आएगा नेगेटिव, इसलिए इसमें सेकंड फोकल लेंथ क्या आएगी नेगेटिव, इसमें सेकंड फोकल लेंथ क्या आएगी पॉजिटिव. तो अब हम बाय कन्वेंशन अब आगे यही फॉलो करेंगे. फॉर कन्वेक्स लेंस नोट, तो यही हमारा यहां पे कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि फॉर कन्वेक्स लेंस एफ इज टेकन एज पॉजिटिव, फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, एंड फॉर कॉनकेव लेंस के लिए क्या आएगा फोकल लेंथ एफ इज नेगेटिव. जैसा मैंने अभी आपसे बोला जब भी मैं फोकल लेंथ की बात करूं इट मीन सेकंड फोकल लेंथ, सो जब भी मैं प्रिंसिपल फोकस की बात करूं इट मीन सेकंड प्रिंसिपल फोकस. सो इसमें ये पॉजिटिव आता है, इसमें ये नेगेटिव आता है. सो इसके आगे से हमेशा यही यूज करेंगे कन्वेंशन में, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस आप लेंगे पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस आप क्या लेंगे नेगेटिव. तो आगे से यही से आप डिटरमाइन करेंगे कि लेंस कौन सा बिहेवियर शो करेगी, कि ये कन्वर्जेंट लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है. अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो कन्वेक्स लेंस, अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो डाइवर्जिंग लेंस. सो अब इसके बाद है यहां पे रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग. सो रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हम रूल्स देते हैं वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे. देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी होगी वी नीड ए मिनिमम ऑफ टू रेज. फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड ए मिनिमम ऑफ टू रेज, जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी उसको हम डिफाइन करेंगे इमेज, जहां पर दो इंसिडेंट रेज मीट करेंगी दैट्स व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट. फिर अगर वो रेज एक्चुअल, अगर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है तो इट्स कॉल्ड एज रियल इमेज. अगर रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट दैट्स कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. तो चले हम यहां पे देखेंगे रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग. अगर मैं कन्वेक्स लेंस देता हूं इधर से, यहां पर मैं लूंगा एक कॉनकेव लेंस, यह कॉनकेव लेंस, यह कन्वेक्स लेंस. देखो पहली रे ये है यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका सपोज ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये यहां पर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह यहां पर भी मैं लेता हूं, यह है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहां से है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अब देखो पहला रूल हम कौन सा लेंगे, पहला रूल हम ये लेंगे जब हम रे लेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। मैं फिर से बोलूंगा जहां यहां पर जो भी हम रे की बात करेंगे इट मीन ए पैरेक्सल रे, हम पैरेक्सल रेज की बात करते हैं। अगर एक रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस के थ्रू निकलती है, इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इफ ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया फर्स्ट इमेज रूल। इसमें भी ऐसे इफ ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आप एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हो इट डाइवर्ज, इसमें डाइवर्ज होगी एंड इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, हमें ऐसा लगेगा जैसे ये कहां से आ रही है, हमें ऐसा लगेगा जैसे ये इस प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ये कौन सा प्रिंसिपल फोकस होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये है पहला रूल यहां पे, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस अपीयर्स टू पास अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडिवाइडेड, अरे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडिवाइडेड। जब आप रे को लेंगे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट पासिस अनडिवाइडेड, अरे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडिवाइडेड, ये सीधे निकलती है। ओके तो अब तीसरा आप लेंगे यहां पे अरे अरे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर एक रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रही है, लेट्स सपोज ये है यहां पे प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस, अगर रे फोकस के थ्रू आ रही है ऐसे, इफ ए रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस सो ये क्या निकलेगी, इट पासिस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ऐसे, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आती है तो इट पासिस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आ जाती है। या आप ऐसे भी लेंगे अरे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, अरे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये केस में लूंगा तो यहां पर सपोज आपने ये ऐसे इंसिडेंट किए हैं टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आपने ये रिडायरेक्ट किए हैं तो इट पासिस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे इट पासिस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये रूल्स हम याद रखेंगे, अरे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और appears to pass and appears to diverge from principal focus, okay, एक। दूसरा array through optical center, array through optical center passes undivided, वो undivided ही निकलती है। तीसरा array passing through principal focus, array passing through principal focus after refraction passes parallel principal axis, ये refraction के बाद principal axis पे parallel आ जाती है। So, इसी तरह array directed towards principal focus, अगर आप ray को direct करेंगे towards principal focus after refraction it emerges parallel principal axis, ये इस principal axis पे parallel आ जाती है। So, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे rules for image tracing, ये image tracing के लिए हम ये rays यहाँ पे यूज करेंगे आगे। So, now अब हम discuss करेंगे यहाँ पे image formation in case of these spherical lenses, स्फेरिकल लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन कैसे हम शो करेंगे, लेट्स गो फॉर। सो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय
स्फेरिकल लेंसेज। पहले अगर हम लेंगे यहां पे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की मैं बात करूंगा पहले, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। देखो हम यहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज का साइज क्या होगा, ये हमने यहां पे डिटरमाइन करना है। चलिए मैं यहां पे एक टेबल बनाऊंगा, सपोज इट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं यहां पे दूंगा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज उसकी कहां पे बनेगी, उसके बाद मैं यहां पे दूंगा साइज, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा देन द ऑब्जेक्ट। इस तरह इसके बाद मैं दूंगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगी कि वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी कि इरेक्ट होगी, और उसके बाद मैं यहां पे लूंगा रे डायग्राम, इसके लिए रे डायग्राम। चले मैं पहले लूंगा यहां पे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह है एक कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मीन्स रेज जो आएंगे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएंगे, ऐसे इंसिडेंट रेज पैरेलल आ जाती है, सिमिलर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। तो आपने पता है अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां पे मीट करते हैं, एट प्रिंसिपल फोकस, तो ये यहां पे फोकस पे मीट करेंगी। सो दैट मीन्स जो इमेज बनेगी इस केस में, इस केस में इमेज कहां पे बनेगी, एट फोकस, इट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। वो मैं अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नाउ। अब जरूरी नहीं कि हमेशा अब रेज ऐसे ही आ जाएंगे, कभी रेज ऐसे भी आ सकती है, रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे एक रे ये दूसरे रे, तो दैट इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे पे पैरेलल आ जाती है, इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो ये कहां पर मीट करेंगी, दीज विल मीट एट ए पॉइंट ऑन फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन पे है, प्रिंसिपल फोकस के नीचे यहां पे ऐसे, ये अगर प्रिंसिपल फोकस है इसके थ्रू आप एक प्लेन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस प्लान को हम नाम देते हैं फोकल प्लान। तो इसकी इमेज इसी फोकल प्लान पे लाइक करेगी, यहां पर इसकी इमेज बनेगी। सो अगेन, सो इमेज इज अगेन फॉर्मड एट प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस पे ही इमेज बनती है। सो दैट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्मड एट प्रिंसिपल फोकस। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी अगर हम लेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अगर हम लेंगे दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, मैग्निफिकेशन विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, इट्स हाईली डिमिनिश्ड। सो नेचर ऑफ इमेज, जरा देखिए यहां पर ये रेज एक्चुअली मीट यहां पे करती है कि अपरेंटली यहां पे मीट कर रही है, द रेज रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट, the refracted rays are actually meeting at this point, so इसके ये actual point of intersection है refracted rays का, इसलिए ये real image है, image is real, and जरा ये देखिए ये मैंने उस object का top लिया था, उस top की image यहाँ पर बनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर image जो आ रही है it is inverted, real and inverted, inverted means अगर object आपने above the principal axis रखा था image आएगी below the principal axis, height of object आएगा positive, height of image आएगी negative, magnification आपने पता है m is equal to h i by h o, height of image by height of object, height of image negative है, height of object positive है, above the principal axis positive, below the principal axis negative, तो ये negative ये positive, और आगे minus plus रहेगा minus, so that is m, m जो आएगा it is negative, less than 0, m less than 0 means negative, mod of m very very less than 1 means diminished image आती है। So ये आ गया पहला केस। अब दूसरा केस है
दूसरा केस में यहां पे लूंगा बियॉन्ड 2f, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f. देखो अगर ऑब्जेक्ट आप रखेंगे 2f से पीछे, लेट सपोज ये है यहां पे कन्वेक्स लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है f, ये है 2f, ये है इधर से f, इधर से ये 2f, so on and so forth. अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, ऑब्जेक्ट इधर से है इंफिनिटी की तरफ बियॉन्ड 2f, लेट सपोज ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी. इसकी मैंने इमेज बताने कहां पर बनेगी. देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे दो रेज चाहिए. मैं एक रे लेता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसके लिए रूल मुझे पता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. ये फोकस के थ्रू आएगी ये रे, ऐसे ऐसे निकलेगी ये रे. दूसरी रे मैं यहां पे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रूल लेता हूं. अब मैंने पता है एक रे इज इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट पास अनडिवेटेड, ये अनडिवेटेड क्रॉस होगी तो ये सीधे ऐसे निकलेगी. तो यहां पर ये दो रिफ्रैक्टेड रेज क्रिएट करते हैं ये पॉइंट. दिस द पॉइंट वेयर दीज टू रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स. तो इसका मतलब रियल इमेज बनाई गई है. तो ये बनेगी यहाँ पे इमेज, ये बनी ए की इमेज ए डैश, ये है बी डैश. सो दैट मींस इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ. तो इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज अगेन इट इज डिमिनिश्ड. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज अगर आप देखेंगे तो इमेज इज डिमिनिश्ड. सो डिमिनिश्ड यानी अगर हम मैग्निफिकेशन का मॉडुलस वैल्यू देखेंगे इट विल बी लेस देन 1, इट विल बी लेस देन 1 बट नॉट सो डिमिनिश्ड लाइक इट वाज इन द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट इनफिनिटी. सो उसके बाद ये रियल आ गई क्योंकि एक्चुअली यहां पर इमेज करते हैं. इट इज रियल एंड इनवर्टेड. रियल एंड इनवर्टेड मीन्स m का वैल्यू आएगा नेगेटिव, m का वैल्यू आएगा नेगेटिव. यहां पे m का वैल्यू नेगेटिव है बट लेस देन 1, यानी इट विल बी 0 टू -1 उनके बीच में आएगा. सो ये आ गया दूसरा केस. अब तीसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f. जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एट 2f ऐसे, फॉर एग्जांपल ये है लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है एफ प्रिंसिपल फोकस, ये है 2f, इसी तरह ये है एफ, ये है 2f. देखो अब ऑब्जेक्ट मैंने रखा है एट 2f, ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी. नाउ मैं इसकी इमेज फॉर्मेशन देखने तो दो रेज में लेता हूं. एक मैं लेता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आप इसके लिए रूल पता है तो ये थ्रू फोकस निकलेगी ये रे ऐसे, तो फोकस आएगी. दूसरी रे में लेता हूं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. इसके लिए भी आपको रूल पता है, ये पास इज अनडिवेटेड, ये अनडिवेटेड ही पास होगी. तो ये दो रिफ्रैक्टेड रेज यहां पर मीट करती है, यहां पर ये एक्चुअली मीट करती है, ये इस पॉइंट पे ये एक्चुअली मीट करती है. तो दिस इज द रियल इमेज, ये रियल इमेज बनेगी. सो अगर आप इसको ऊपर ऐसे ड्रा करेंगे तो ये 2f पर ही आ जाती है इमेज. सो दैट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f इमेज अगेन फॉर्मड एट 2f ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ. लेकिन ये क्या है, इट्स ऑफ सेम साइज, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी है. सो इसमें आता है सेम साइज, सेम साइज. तो दैट मींस m का जो वैल्यू आएगा इट विल बी 1, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है. सो इसके h i / h o विल बी इक्वल टू 1, इसका मॉड आएगा 1. अब देखो ये यहां पर एक्चुअल में ये पॉइंट्स मीट करते हैं, रेज मीट करते हैं, इसके ये रियल इमेज है. सो इट इज रियल एंड इनवर्टेड, अगेन इनवर्टेड आती है. इनवर्टेड मीन्स m इज नेगेटिव, इट इज -1, एक्चुअल वैल्यू इसका आएगा -1. अगर हम मॉड लेंगे, मॉड में से माइनस कैंसिल होता है वो प्लस 1 आ जाएगा, मॉड आएगा 1, दैट सेम साइज, लेकिन माइनस मींस इट इज रियल एंड इनवर्टेड. तो चले हो गए ये तीन केसेस. अब फोर्थ केस मैं लेता हूं यहां पे बिटवीन बिटवीन 2f एंड f, बिटवीन 2f एंड f.
चलें मैं यहां पे एक लेंस देता हूं कन्वेक्स लेंस, यह ऑप्टिकल सेंटर, यह है एफ, यह है 2F, इसी तरह यह है यहां पे एफ, इधर आएगा ये 2F। अब मैं कहां पे लेता हूं ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2F, तो मैं ऑब्जेक्ट यहां पे लूंगा ए बी, ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, इसकी मैंने इमेज बताने कहां पर बनेगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज मुझे चाहिए, एक रे मैं लेता हूं ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपने पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये ऐसे निकलेगी, ये इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे मैं लूंगा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस अनडिवाइडेड, ये अनडिवाइडेड निकलेगी। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द टू रिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग, ये पॉइंट है जहां दो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं, इसलिए ये रियल इमेज बनेगी। अब चलिए ये देखें, यहां से मैं ऐसे ड्रा करूंगा तो ये इनवर्टेड आ जाते हैं, रियल एंड इनवर्टेड, लेकिन कहां बनती है बियॉन्ड 2F, 2F है यहां पे, ये है 2F की तरफ, तो इट इज फॉर्मड बियॉन्ड 2F ऑन द अदर साइड, सो बियॉन्ड 2F ऑन अदर साइड दूसरी तरफ, तो वो क्या आती है वहां पे, इट इज Enlarged image बनती है, यानी m जो है m का mod आएगा greater than 1, magnification greater than y 1 आएगी, that is image size is greater than object size, so उसके बाद real and inverted, फिर से real and inverted, यानी m जो आएगा m फिर से क्या आएगा, it will be negative, it is less than 0, यानी negative, it will be less than minus 1, इस केस में less than minus 1 आएगा, less than minus 1 means it is enlarged, but it is enlarged but real, ये real आएगी but enlarged, यानी ये minus 2 हो सकता है, minus 3 हो सकता है, minus 4 हो सकता है, ये आएगा यहां पे magnification का value। तो अब इसमें है last one, चले last नहीं अभी दो है इसमें, एक मैं लूंगा यहां पे अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, ये एफ है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अब हम लेंगे ऑब्जेक्ट एट एट एफ, ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे यहां पे ऐसे ए बी, इसकी मैंने इमेज बतानी है, तो एक रे मैं लूंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ऐसे आएगी, दूसरी रे मैं लूंगा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये अनडिवाइडेड पास हो गया ऐसे, तो आप जरा इधर देखिए आप, ये दो रिफ्रैक्टेड रेज ये पैरेलल आ जाते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल आते हैं, इसका मतलब ये कहां पर मीट करेंगे, एट इनफिनिटी पे मीट करेंगे ये, सो दैट मींस इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिटी, इट इज हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि जब आप इसकी इमेज देखेंगे वो यहां नीचे कहीं पर बनेगी, दैट इज हाईली एनलार्ज्ड इमेज, हाईली एनलार्ज्ड, व्हेन मॉड ऑफ m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इट इज हाईली एनलार्ज्ड, लेकिन ये क्या बनेगी, रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्ट, यानी फिर से m का वैल्यू लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1 आएगा, -1 वेरी वेरी लेस देन -1, it will be real and inverted, minus means inverted, minus 1 means less than minus means minus 2, minus 3, minus 10, minus 11, minus 20, minus 30, it will be highly enlarged but inverted, तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें और एक केस जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वहां पर रखेंगे हम between f and optical center, जहां पर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, चले मैं यहां पे रखूंगा ऐसे, यह ऑप्टिकल सेंटर, यह है प्रिंसिपल फोकस, यह है इधर प्रिंसिपल फोकस, देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस,
ये मैं इधर रखता हूँ ऐसे ऑब्जेक्ट, ए बी है ऑब्जेक्ट मेरा, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मुझे पता है थ्रू फोकस निकलेगी ये रे, तो फोकस से ऐसे निकलेगी। दूसरी रे मैं लूंगा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एक पास रनडिवेट, तो ये ऐसे निकलती है। सो दैट मीन्स यहां जरा देखें, ये रे और ये रे, ये इधर से डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से, ये डाइवर्ज हो रही है, इसलिए यहां से कोई मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, जो इधर ऑब्जर्वर होगा, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगे जैसे ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ किसी पॉइंट से आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे इधर से किसी पॉइंट से आ रही है, सो दीज टू रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर मीट कर रही है ये रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये यहाँ पे इमेज आएगी। लेकिन कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि यहां पर ये एक्चुअली मीट नहीं करती है ए डैश बी डैश। सो यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, ऐसा लग रहा है जैसे रिफ्रैक्टेड रेज यहां पर मीट कर रही है, सो इसलिए ये यहां पे वर्चुअल इमेज आ जाएगी। सो दैट मींस इमेज का बनती है ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ये लेंस की उसी साइड में बनते हैं जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट रखते हो। सो साइज ऑफ इमेज क्या होता है? एनलार्ज्ड होता है, इट्स एनलार्ज्ड, इट इज नेचुरल, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज इरेक्ट आती है और वर्चुअल आती है। एनलार्ज्ड मींस एम का मोड जो आएगा इट इज ग्रेटर देन 1, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मींस ऑब्जेक्ट बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों पॉल्स ड्रॉएंगे तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। सो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, मॉड ऑफ m भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। सो ये यहां पर आ गया इमेज का नेचर। सो अब इसी तरह हमेशा याद, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में आप यूज करते हो, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में हम यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इट्स इमेज फॉर्मड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, ये केस आप बहुत बहुत यहाँ पे इस पे आप फोकस करेंगे क्योंकि आगे ऑप्टिकल टेलीस्कोप हो या वहां पे माइक्रोस्कोप हो उसमें खाली यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। नाउ इसमें आप और एक केस याद रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर आप रखेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ऑप्टिकल सेंटर, इट्स इमेज फॉर्मड ऑल्सो एट ऑप्टिकल सेंटर, सो एट ऑप्टिकल सेंटर ही इसकी इमेज बनती है, साइज सेम आता है, सेम साइज, वो सेम साइज आता है इसका, और मैग्निफिकेशन भी 1 आ जाएगा इसका, मैग्निफिकेशन इज इक्वल 1, और ये इरेक्ट भी होगी, ये इरेक्ट भी आते हैं उस केस में। When the object is placed at optical center, its image is also formed at optical center. Size of image equals the size of object, और वो इरेक्ट ही आ जाती है उसकी इमेज। So this is all about the image formation in case of converging lens or convex lens. अब यहाँ पे image formation by concave lens. अब concave lens के लिए हम discuss करेंगे image formation. Concave lens. कन्वेक्स लेंस में आप याद रखेंगे, कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इन दैट केस द इमेज फॉर्मड इज वर्चुअल। एक कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाती है एक्सेप्ट की जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, उस केस में वो क्या बना रही थी? वर्चुअल इमेज। So, बाकी सारे केस में वो रियल इमेज बनाती थी। सो अब यहाँ पे है कंकेव लेंस की हम बात करते हैं। कंकेव लेंस में यहाँ पे हम लेंगे, देखो कंकेव लेंस ऐसे हैं, कंकेव लेंस ये है इसका प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। सो पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी,
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा दैट मींस रेज आर इन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है। सो आपने पता है ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है एंड दिस अपीयर्स टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस। तो ऐसा लगे जैसे ही प्रिंसिपल फोकस पे मीट करती है। सो दैट इमेज इज फॉर्मड एट प्रिंसिपल फोकस। साइज क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, highly diminished. So that means m का वैल्यू आएगा वेरी वेरी लेस देन 1. सो इसका नेचर क्या आता है? ये एक्चुअली यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज मीट करते हैं कि अपरेंटली ये मीट करते हैं। सो इट्स द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, इसलिए ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। यानी m जो आएगा इट विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा दैट इज इरेक्ट तो ग्रेटर देन 0 आएगा। सो अब इसमें दूसरा लेंगे हम एट फाइनाइट डिस्टेंस। आप किसी भी जगह आप लीजिए ऑब्जेक्ट को एट फाइनाइट डिस्टेंस ऑन दिस साइड, किसी भी जगह पे, लेट्स सपोज ये है प्रिंसिपल फोकस, आप इधर ले लीजिए इसको ऑब्जेक्ट को ए बी। इसके लिए मैंने इमेज फॉर्मेशन ले ली है। सो एट फाइनाइट डिस्टेंस from optical center, ऑप्टिकल सेंटर पे आप किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे आप लीजिए ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट सामने, तो आपने देखना है यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी। ये देखो एक रे में होगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुझे पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होगी ऐसे, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे में होगा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड पास हो। अब देखो इस साइड से एक रे ऐसे जा रही है, दूसरी रे यहां से ऐसे जा रही है, डाइवर्जिंग रे फ्रॉम ईच अदर, यहां से तो इमेज नहीं बनेगी। नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे दिस अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, इसलिए यहां पर इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। सो दैट मींस इमेज इज फॉर्मड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। सो बिटवीन O and F. Again, it is diminished. Diminished. Diminished means M का मोड जो आगे is less than 1. So again, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, it is virtual and erect. Virtual and erect. So M का value आएगा positive. Greater than 0 but less than 1. 1 से कम लेकिन 0 से ज्यादा आ जाएगा। सो ये यहाँ पे इसके लिए m के लिए कंडीशन आ जाएगी। नाउ अब इसके बाद है, अगर हम लेंगे एट ऑप्टिकल सेंटर, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे, इसकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर पर ही आ जाएगी, जैसे पिछले केस में आपने लिखा था वही है इसके लिए भी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ऑप्टिकल सेंटर इट्स इमेज आल्सो फॉर्मड एट ऑप्टिकल सेंटर, सो इट इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज इरेक्ट, इरेक्ट होगी एंड इट इज ये इरेक्ट है और वर्चुअल है, इरेक्ट एंड वर्चुअल आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो आप इन शॉर्ट याद रखेंगे, कंकेव लेंस हमेशा बताती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, और हमेशा कहां लाई करेगी इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स लेंस बनाती है रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज बनाती है, सारे केस में वो रियल इमेज बनाते हैं एक्सेप्ट एक केस में वो वर्चुअल बनाती है जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, उस केस में कन्वेक्स लेंस बनाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो आर आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आपने देखे थे किसमें, कनकेव मिरर में, जो कनकेव मिरर में रूल्स आते थे वो यहां पर आते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। जो वहां पे कन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन के लिए आते थे रिजल्ट्स, वो यहां पर आते हैं कंकेव लेंस के लिए। कन्वेक्स मिरर के जो केसेस आते थे रिजल्ट्स आते थे इमेज फॉर्मेशन में, वो यहां पे आते हैं कंकेव लेंस में। जो वहां पे आते थे कंकेव मिरर में रिजल्ट्स इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो यहां पर आते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए वो रिजल्ट्स आते हैं। सो दिस ऑल अबाउट दिस इमेज फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आगे के दो लेक्चर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, जिसमें हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन,
या फिर लेंस इन कंटैक्ट की बात करेंगे। सो थैंक्स।